दयानंद सेट्टी का जन्म 11 दिसंबर 1969 को कर्नाटका इंडिया में हुआ था। इसके पिता का नाम चंद्र प्रकाश सेट्टी है और इनकी मां का नाम उमा सेट्टी है। दयानंद सेट्टी की दो बहन भी है जिसका नाम नैना सेट्टी और संध्या सेट्टी है। दयानंद सेट्टी के पत्नी का नाम स्मिता सेट्टी है और दयानंद सेट्टी के बेटी का नाम विवा सेट्टी है। दयानंद सेट्टी की पहली फिल्म दिलजले, यह मूवी 27 सितंबर 1996 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में दयानंद सेट्टी ने गुणमान का किरदार निभाया था। वैसे इस मूवी में अजय देवगन, सोनाली बेंद्रे, मधु, अमरीश पुरी, गुलशन ग्रोवर, दयानंद सेट्टी थे। इस फिल्म का बजट 5.50 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 15.85 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। दूसरे नंबर पर है जोनी गद्दार। यह मूवी 28 सितंबर 2007 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में दयानंद सेट्टी ने शिवा का किरदार निभाया था। वैसे इस मूवी में धर्मेंद्र, नील, नितिल, मुकेश, अश्विनी, कुलशेखर, रिमी सेन, दयानंद सेट्टी थे। इस फिल्म का बजट 7.50 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 5.68 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। तीसरे नंबर पर है रनवे। यह मूवी 26 जून 2009 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में दयानंद सेट्टी ने पुलिस इंस्पेक्टर का किरदार निभाया था। वैसे इस मूवी में अमरजीत शुक्ला, दीपुल साहब, साबर अली, दयानंद सेट्टी, शरद सक्सेना थे। इस फिल्म का बजट 3.50 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 40 लाख रुपये की कमाई की थी। इस तरह यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर डिजास्टर साबित हुई। चौथे नंबर पर है सिंघम रिटर्न्स। यह मूवी 15 अगस्त 2014 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में दयानंद सेट्टी ने सीनियर इंस्पेक्टर दया सिंह के किरदार निभाया था। वैसे इस मूवी में अजय देवगन, करीना कपूर, अनुपम खेर, दयानंद सेट्टी, अनमोल गुप्ते थे। इस फिल्म का बजट 70 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 240 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। पांचवें नंबर पर है गोविंदा नाम मेरा। यह मूवी 16 दिसंबर 2022 को सिनेमाघर में रिलीज हुआ था। इस मूवी में दयानंद सेट्टी ने इंस्पेक्टर जावेद का किरदार निभाया था। वैसे इस मूवी में विक्की कौशल, कियारा आडवाणी, भूमि पेडनेकर, दयानंद सेट्टी, रेणुका सहाने थे। इस फिल्म का बजट 50 करोड़ रुपये था और यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर 62.57 करोड़ रुपये की कमाई की थी। इस तरह से यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर एवरेज साबित हुई। कि आपको किस एक्टर या एक्ट्रेस का वीडियो चाहिए कमेंट में ज़रूर बताएं।